हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडेम के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मॉडेम क्या है, देन इसकी एक एग्जांपल देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि कैसे मॉडेम काम करता है, देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा अगर आप हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक आपको अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडेम के मीनिंग से। मॉडेम शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस जो कि एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल्स पे काम करती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर यहाँ आपको मीनिंग से क्लियर नहीं हो रहा है कि मॉडेम क्या है, देन नो प्रॉब्लम, हम आगे इमेज से इसे और अच्छे से समझेंगे कि मॉडेम कैसे काम करता है, देन आप मीनिंग को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, मॉडेम कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये क्या करता है, इसे जो कंप्यूटर से डिजिटल डेटा मिलता है उसे ये कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, या फिर ये एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डेटा में, जिस तरह की भी ज़रूरत होती है। तो इस इमेज में हम वर्किंग देख सकते हैं मॉडेम की, कि मॉडेम काम कैसे करता है। तो मॉडेम देखिए एक ट्रांसलेटर की तरह होता है, ये आपका मॉडेम है। अब आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, ठीक है, और आपके इंटरनेट में जो सिग्नल्स जाते हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर मॉडेम क्या काम करेगा, जब आप सिग्नल भेजेंगे अपने कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ, तब मॉडेम उन सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जब आप इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं तब वो आती है एनालॉग सिग्नल्स के रूप में, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ समझता है डिजिटल सिग्नल्स को। इसलिए मॉडेम क्या करता है, वो उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो मॉडेम का यही काम है कि जहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, जहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो उसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है आपके मॉडेम का काम, कि वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करने में, ताकि आप डेटा को एक्सेस कर सकें या फिर सेंड कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं मॉडेम के एडवांटेजेस। मॉडेम कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मॉडेम ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर से मिले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में, ताकि उन्हें एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल्स पर ट्रांसमिट किया जा सके, और इसी तरह वाइस वर्सा, मतलब अगर एनालॉग कम्युनिकेशन उसे मिलते हैं तो उसे कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में। थर्ड है, मॉडेम और इंटरनेट एक्सेस ने ई कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, रिमोट वर्क और डिजिटल इनोवेशन की ग्रोथ में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडेम की डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर आप ओल्डर मॉडेम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस ब्रॉडबैंड में ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट लगती है। अगर मॉडेम की लो स्पीड है तो आपको ऑनलाइन गेम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लार्ज फाइल ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है। कुछ ओल्डर मॉडेम टेक्नोलॉजीज़ में सिक्योरिटी फीचर्स की कमी रहती है। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है कि अगर आप ट्रेडिशनल मॉडेम्स, मतलब कि आपके कुछ ओल्डर वर्जन है मॉडेम के, तो वहाँ पर राउटर्स का फीचर उनमें अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न आपको मॉडेम मिल रहे हैं उनमें राउटर का फीचर भी होता है। राउटर क्या करता है कि अगर आपका सिग्नल वीक है तो उस वीक सिग्नल को वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको राउटर के बारे में भी जानना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग मॉडेम। इसी तरह अगर आपको हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे और रिपीटर के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक आपको अवेलेबल है।